नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। साउथ अफ्रीका ने 5वें T20 में तोड़फोड़ मचाते हुए वेस्टइंडीज पर हार का हथौड़ा चला दिया है। मेहमान टीम ने मेजबानों पर शिकंजा कसते हुए आखिरी T20 25 रन से जीती। इसी के साथ उन्होंने T20 सीरीज भी 3-2 से जीत ली, यानी वेस्टइंडीज के हाथ से मैच तो गया ही, साथ ही सीरीज भी फिसल गई। क्विंटन डिकॉक और एडम मार्करम के अर्धशतक के बाद लुंगी एंड गिडी की लाजवाब गेंदबाजी के चलते साउथ अफ्रीका की टीम शनिवार को विंडीज को निर्णायक T20 मुकाबले में 25 रनों से हराने में सफल रही। राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सेंट जॉर्ज ग्रेनेडा में खेले गए इस मुकाबले से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए, जिसके जवाब में विंडीज 143 रन ही बना सकी। मार्करम को मैन ऑफ द मैच जबकि तबरेज शमसी को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें T20 में साउथ अफ्रीका की जीत के हीरो रहे मार्करम। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी। इसके बाद क्विंटन डिकॉक और एडम मार्करम ने अर्धशतक चढ़ते हुए दूसरे विकेट के लिए 128 रन जोड़े। यहां से अफ्रीकी टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी। इन दोनों खिलाड़ियों की लाजवाब बल्लेबाजी के चलते साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन ही बना सकी। इस सीरीज के साथ साउथ अफ्रीका का विंडीज दौरा समाप्त हो चुका है। साउथ अफ्रीका ने T20 सीरीज से पहले मेजबानों को टेस्ट सीरीज में भी 2-0 से मात दी थी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।